प्रशांत किशोर लगातार अपनी यात्रा पर हैं। प्रशांत किशोर लगभग बिहार के हर जिलों में जाना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव तक यह संभव नहीं है। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव भी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं और यह यात्रा 20 फरवरी से शुरू होकर 29 फरवरी तक चलेगी। 10 दिनों की यह यात्रा है जिसमें वो 32 जनसभा करने वाले हैं। तेजस्वी यादव दरअसल इस यात्रा के जरिए बिहार में विपक्ष का बड़ा चेहरा बनना चाहते हैं। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इंद्र बोह। तेजस्वी यादव की इस यात्रा के लिए राजनीतिक जमीन तलाश की जा रही है, एक तरीके से कहें तो लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि अभी तक गठबंधन में बड़ा चेहरा बिहार की तरफ से विपक्ष का कोई नहीं था। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से जब से बाहर हुए हैं तो उसके बाद बिहार में अब सबसे बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव को बनाने की कोशिश की जा रही है। आरजेडी की ये पूरी रणनीति है कि आने वाले 10 दिनों में, यानी कि लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही, तेजस्वी यादव बिहार के हर जिले तक पहुंच जाए और जनता के बीच अपनी बातों को रख सके। तेजस्वी यादव की इस यात्रा को लेकर प्रशांत किशोर ने भी तंज कसा है। आपने कहा जनविश्वास यात्रा, आप कोई भी यात्रा कर लीजिए। नीतीश कुमार किए थे समाधान यात्रा, कितना बिहार की समस्या का समाधान हो गया। अभी राहुल गांधी कर रहे हैं न्याय यात्रा, कितना बिहार के लोगों को न्याय मिल गया। तो इनके जनविश्वास यात्रा करने से क्या होगा? सबसे ज्यादा विश्वास आपने तोड़ा, 30 वर्ष से लालू नीतीश का ही राज है इस देश में, इस बिहार में। 30-32 वर्ष में बिहार से गरीबी कम नहीं हुई, पलायन रुका नहीं, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हुई नहीं, रोजगार मिला नहीं। तो अब किस विश्वास की बात कर रहे हो? जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, आएंगे विश्वास यात्रा में, भीड़ दिखेगी, पैसे के बल पर, काडर जात के नाम पर कुछ लोग इकट्ठा हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जा सकती है। जिन लोगों ने आरजेडी को, लालू जी के, उनके बच्चों की सरकार को देखा है, वो जानते हैं कि ये लोग जात पात, हिंदू मुस्लिम और भ्रष्टाचार गुंडागर्दी से ऊपर उठकर राजनीति नहीं कर सकते हैं। वो आरजेडी का कैरेक्टर है, इन चार चीज से ऊपर उठकर आरजेडी के लोग राजनीति नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी यादव उससे अलग नहीं है। आपको बता दें कि यात्राओं के जरिए देश में राजनीति करने की पुरानी परंपरा रही है। यात्राओं के जरिए जनता को अपनी बात बताते हैं और उसके बाद लोकसभा चुनाव में भाग्य आजमाते हैं। लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटें हैं। इस बार इंडिया गठबंधन में, या यूं कहें कि बिहार में महागठबंधन में, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियां हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर भी जहां एक और पेच फंसा हुआ भी दिख रहा है, लेकिन यह तो तय है कि नीतीश कुमार के एनडीए में जाने के बाद आरजेडी को और तेजस्वी यादव को ये लगने लगा है कि विपक्ष के चेहरे के तौर पर वह चेहरा जो बिहार से नुमाइंदगी करे, तो वह चेहरा तेजस्वी यादव का हो सकता है, और इसीलिए आरजेडी ने ये पूरा प्लान किया है। आपको यह पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।